हेलो <laughs> नमस्कार भाई सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में ये पेज को रिफ्रेश करना था आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है कैसे हैं आप सभी लोग और आज हमारा यूट्यूब और ऐप पर दोनों जगह सेशन है और उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट सेशन जो मैंने कराया था उसमें मैंने कोयला संसाधन के बारे में कराया था ये फैन ऑफ करके ए ऑन कर दे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप लोगों को पूरा समझ आया होगा वैसे तो मैं आज ये कोयला एवं पेट्रोलियम संसाधन वाली क्लास को ही कराने वाला था बट मुझे एक बार माइंड में ये आया कि क्यों ना एक काम किया जाए मैपिंग की क्लास करा दी जाए एक क्लास जिससे आपको बेसिक आइडिया ये हो जाएगा कि भाई किस टाइप से मैपिंग पढ़ाई जाएगी दूसरा कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि पुराने बैचेस में मैपिंग शुरू नहीं हुई थी तो उन लोगों ने भी है तो मचा रखी थी कि भाई कह देते हैं पूरा नहीं कराते ये है वो है तो फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि मंडे टू फ्राइडे जो आपका एक तरह से जो रनिंग शेड्यूल है उसमें तो मैं टॉपिक को ही पढ़ाऊँगा लेकिन उसके अलावा जो टाइम मुझे मिलेगा जैसे सैटरडे का टाइम है या फिर किसी दिन इवनिंग में क्लास ले ली मेरा कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा टाइमिंग हम लोग मैनेज करके इंडिया के सभी के सभी स्टेट की हम लोग मैपिंग को कवर कर लेंगे बात समझ में आ रही है आकाश यहीं रहे यहीं रहे बाद में हो जाएगा इंडिया के हर एक स्टेट की मैपिंग को हम लोग कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और उसके पीछे उद्देश्य क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल को पढ़ गए हमने भारत की नदियों के बारे में खूब डिटेल में पढ़ लिया लेकिन वहां पे कुम नदी तमिलनाडु के एक लोकल रिवर है पुनपुन रिवर बिहार की एक लोकल रिवर है कई बार ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो रह जाते हैं तो वो पॉइंट फिर हमारे कैसे कवर होंगे तो इसका उद्देश्य है मैपिंग का अगर आप कोई भी अगर आप आ, हम यू कह सकते हैं कि आप प्राइमरी स्टैंडर्ड का या फिर आप यू कह लो कि आप वन डे एग्जाम देते हैं तो ऐसी कंडीशन में तो वहाँ से आपके लोकल क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे अगर आप हायर हायर एग्जाम की तरफ जाते हैं तो वहां पे जैसे मैं मेंस की बात करूंगा यूपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो वहां पता है क्या है वहां पे एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के बारे में आपको तीस शब्दों में लिखना होगा और मैप पर लोकेट करना होगा तो हम ऐसे पॉइंट भी कवर कर जाएंगे तो मेरा कहने का मतलब यह है टाइटल बाद में चेंज हो जाएगा आज आपकी जो क्लास है वो मैपिंग की क्लास है और देखते हैं अगर YouTube पर रेस्पॉन्स बहुत बेहतर रहता है तो मुझे लगा कि जैसे पिछले कई सालों में मैंने इतना किया था स्टूडेंट के लिए कि कभी एनवायरमेंट का बैच फ्री कराया कभी जीएस एसएससी जीएस रिवीजन करके एक सीरीज uh, की शुरुआत की थी जिसमें सौ क्लास कराई थी मैंने और हर एक क्लास में पचास क्वेश्चन कराता था मैं बहुत टाइम हो गया था कुछ नया नहीं हो पा रहा था तो ऐसा भी हो सकता है मतलब नाइन्टी चांस है कि जो मैपिंग की क्लास हो वो फ्री करा दे यूट्यूब पर सभी के सभी स्टेट की मैपिंग आपकी कंप्लीट हो जाए ओके तो चलिए बस शर्त यह है कि आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना है है ना मजा जब ही आता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपको कुछ देने के लिए आप उसको लेने के लिए तैयार हो तो तो फिर बात बनती है, है ना तो मैं देखता हूं पूरी पूरी कोशिश करता हूं टाइम मैनेज करके आज आपकी मैपिंग की क्लास है तो सबसे पहले हमें समझना है कि मैप होता क्या है ग्लोब क्या होता है और उसके बाद फिर हम लोग ये सीखेंगे कि जो मैपिंग है वो कितने प्रकार के मैप होते हैं हमारे और उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल साउथ इंडिया तक पहुंचेंगे धनुष कोणी तक ठीक है चलिए और हां पेन पेपर लेके बैठना मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं मजा आएगा आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की क्लास में और इसीलिए सैटरडे को क्लास रखवाई है कि तसल्ली से आप टॉपिक को खींच पाएंगे बढ़िया तरीके से मेन मेन पॉइंट ऐसे होंगे मैं आज जो मैपिंग कराने वाला हूं वो आपको मैपिंग कराने वाला हूं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ज्योग्राफी से रिलेटेड यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर से आज हम लोग कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ठीक है चलो सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालोगे चाहे आप यूट्यूब पर हो चाहे आप ऐप पर हो पेन पेपर लेकर बैठो ज्यादा ठीक रहेगा सबसे पहली बात एक वर्ड होता है देखो ग्लोब और एक वर्ड होता है मैप इसे कहा जाता है हिंदी में मानचित्र सर दोनों ही आप ऐसे समझ लो कि आप एक शादी में जा रहे हो और आपके पास जब आप शादी में जा रहे हो तो सूट बूट का होना बहुत जरूरी है तो बस दोनों उसी का काम करते हैं कहने का मतलब यह कि जब हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है हमें पृथ्वी के हर एक क्षेत्र के बारे में हर एक कॉर्नर के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पूरे के पूरे अर्थ को मेजर करने का पूरे के पूरे अर्थ को डेस्क्राइब करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि पृथ्वी आकार में इतनी बड़ी है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए सबसे पहले अर्थ का एक मॉडल तैयार किया जाए मान लिया जाए कि यह पृथ्वी है और इसी से सब कुछ हो रहा है मेरी बात समझ पा रहे हैं आप तो अगर आपसे पूछा जाता है ग्लोब है क्या तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी मॉडल ऑफ अर्थ ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये पृथ्वी का प्रारूप है अगर ये भी समझ में नहीं आती अब आपसे पूछा जाएगा ग्लोब करता क्या है है ना ग्लोब से हमें फायदा क्या है इसका यूज क्या है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये है थ्री डी रिप्रेजेंटेशन है थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ आगे बात समझ में यानी कि पृथ्वी का त्रिविमीय प्रारूप है अगर हमें अर्थ को थ्री में रिप्रेजेंट करना है अर्थ को हमें जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है तो हमें ग्लोब की हेल्प लेनी पड़ेगी वही मै, मैप क्या होता है मैप की अगर मैं बात करूंगा तो ये टू रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है द्विविमीय ये मैप और ग्लोब में डिफरेंस हो गया एनसीआरटी के अकॉर्डिंग मैप कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहला पॉइंट देखोगे गया एक होता है पॉलिटिकल मैप एक होता है राजनैतिक मानचित्र एक होता है फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र और तीसरा एक और होता है थेमेटिक मैप तीन प्रकार के मैप बताती है एनसीआर और दोस्तों एक बात और बता दूं इस चीज को जो मैं आज पढ़ा रहा हूं अगर आप इसको ऐसे ले जाओगे इतना मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप खेल जाओगे मतलब गड़बड़ कर दोगे मामला आप इस चीज को ऐसे जानने के लिए पढ़ना जैसे आप हरिद्वार गए गंगा स्नान करने तो वहां आप सारी चीजें एक्सप्लोर करके आते हो आप देख कर आते हो है ना आप ऋषिकेश गए आप मनाली गए तो हमें भारत के बारे में जानना है जो हमारा एक इनक्रेडिबल इंडिया जैसे बोला जाता है उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है एक बार के लिए माइंड से आप ये निकाल कर मत ये निकाल कर बैठना कि एग्जाम ये वो क्योंकि फिर आपको पता है क्या लगेगा अरे आपने तो सर एक स्टेट के मैप में इतने पेज भरवा दिए कैसे तैयार होगा जबकि हकीकत ये अगर आप उसको जानने की इच्छा से अगर आप पढ़ोगे ना तो चाहे मैं एक मै, एक स्टेट के मैप में चाहे मैं आपको दस पेज लिखा दूं वो दस पेज याद करने में आपको मैं कह रहा हूं दस घंटे तो छोड़ो आपको वो लगभग आपके एक घंटे में तैयार हो जाएंगे तो मेरी बात को पूरी तरह से आप समझ पा रहे होंगे अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं देखो आप सभी को अच्छे से पता है पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है पॉलिटिकल मैप पे हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉर्डर को है ना किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका आंसर होगा रिप्रेजेंट बॉर्डर इससे हम सीमा का प्रदर्शन करते हैं अब ये सीमा किसकी हो सकती है ध्यान से सुनना सीमा स्टेट टू स्टेट हो सकती है हा या ना और ये कंट्री टू कंट्री भी हो सकती है मतलब कोई भी बॉर्डर हो सकता है जब किसी भी कंट्री के स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बिलेज के जब आप बॉर्डर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल मैप है ना नीरज का कमेंट आ रहा है सचिन की सीमा होश में आ जाओ मैं कह रहा हूं सीरियस होके पढ़ लें फिर आता है फिजिकल मैप फिजिकल मैप पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो सर अगर हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज की बात करेंगे ध्यान से सुनना ज्योग्राफी की लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल का मतलब होता है नेचुरल यानी कि वो सभी के सभी कॉम्पोनेंट्स जो नेचुरली बने हुए हैं जिनका क्रिएटर नेचर है उनको इसमें रखा जाता है बात समझ में आ रही है जैसे आपको रिप्रेजेंट करना मैं लिख देता हूं ऑल नेचुरल कॉम्पोनेंट्स यानी कि सभी प्राकृतिक घटक जैसे मानकर चलो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं माउंटेन वाला तो जब मैं माउंटेन को वहां पर रिप्रेजेंट करूंगा तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि सर ये फिजिकल मैप है बात समझ में आ रही है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी पे जैसे प्लेट्यू है बाकी आप आगे खुद समझ पा रहे होगे जैसे रिवर है जैसे सॉइल है ये सभी के सभी क्या है ये सभी फिजिकल मैप पर आते हैं अगर मैं बात करूंगा थेमेटिक मैप की यानी कि थेमेटिक मैप क्या है तो आपका आंसर होगा ये इंफॉर्मेटिव मैप होता है इंफॉर्मेटिव मैप होता है ये जानकारी देने वाला होता है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंपोनेंट्स को जैसे मेरी बात को बहुत गौर से सुनना जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बात समझ में आ रही है हमें रिप्रेजेंट क्या करना है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वर्षा का वितरण है है ना नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा क्लाइमेट या जलवायु का वितरण है जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन से मैप की जरूरत पड़ती है मैप की जरूरत पड़ती है बात समझ में आ रही है पहले ये बताओ कमेंट करके तीनों में डिफरेंस समझ आया नहीं आया हाँ जी <coughs> बताओ जल्दी से तीनों में डिफरेंस समझ में आया एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पृथ्वी का प्रारूप क्या कहलाता है अर्थ का जो मॉडल है उसे क्या कहा जाता है ठीक है कट्टर हिंदू नाम से कमेंट आ रहा है सर बायोलॉजी कब होगी आप कमेंट रिपीट मत करो बायोलॉजी की जब होगी पता चल जाएगा ओके हाँ जी मॉडल ऑफ अर्थ जो है उसको क्या कहा जाता है ग्लोब कहा जाता है अर्थ का थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ग्लोब कहलाता है टू डी रिप्रेजेंटेशन मैप कहलाता है मैप तीन प्रकार के होते हैं मैंने बताया आपको पॉलिटिकल मैप बॉर्डर से रिलेटेड होता है फिजिकल मैप नेचुरल कॉम्पोनेट से रिलेटेड होता है और जब हम किसी भी इंफॉर्मेटिव मैप को या किसी भी रिप्रेजेंटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को सॉरी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा मैप कहा जाएगा बात समझ में आ गई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं चलिए जी अब हम बात करते हैं इंडियन मैपिंग में स्टेट वाइज तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के नॉर्थ मोस्ट यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या है लद्दाख बात समझ में आ रही है सर अगर हम बात करेंगे 2019 से पहले की तो हमारे भारत में 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही भाग हुआ करता था ऐसा कुछ था 2019 के बाद हमारे भारत में धारा 370 और 35 ए को हटा दिया गया धारा 370 और 35 ए को हटाने के बाद प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं यानी कि के केंद्र शासित प्रदेश हैं बात समझ में आ रही है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्या है अलग अलग यूनियन टेरिटरी है तो हमें जो आज मैपिंग शुरू करनी है वो मैपिंग लद्दाख से शुरू करनी है <coughs> आप लोग हेडिंग डालो लद्दाख का मानचित्र सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा इसमें जो लद्दाख है वो है क्या ध्यान से सुनना लद्दाख जो है ये है हमारे भारत का यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत का केंद्र शासित प्रदेश है नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये कब बना तो आपका आंसर होगा ये बना है 2019 में अक्टूबर 2019 में बना <coughs> मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना अगर मैं बात करूंगा लद्दाख की तो लद्दाख में टोटल कितने जिले हैं बताओ कमेंट करके लद्दाख में कितने जिले हैं ऋतिक पोरवाल आप ये दुख ना बाद में रो लेना मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं और मैंने पहले ही बोला था कि इरिटेट नहीं करना है आगे बात समझ में टॉपिक पर फोकस कर लो आप लद्दाख में कितने जिले हैं बताइए कमेंट करके ऐप पे कमेंट क्यों नहीं स्टक कर करके एक बार रिफ्रेश कर इसको लद्दाख में कितने जिले हैं सारे लोगों के ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है अगर मैं जिलों की बात करूंगा तो जिले कितने हैं टोटल दो एक का नाम है लेह और दूसरी का नाम है कारगिल अब बोर्ड पर आप फोकस करना जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो जो हमारा लेह है वो पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन है लेह इतना होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग कायदे में जो लद्दाख है वो यहां तक इतना होना चाहिए अब इसमें ध्यान से सुनना दूसरा जो हमारा सेक्शन है ये वाला देखो ये तो कारगिल हो गया साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको और कारगिल के बाद में ये पूरा का पूरा जो इतना भाग है इसी को क्या कहा जाएगा इसी को लेह कहा जाएगा बात समझ में आ रही है तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो क्या नाम है लद्दाख के जिले तो हैं लेकिन इनमें बड़ा कौन सा है तो आपका आंसर होगा इनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है लेह है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर है और पता है क्यों प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या यहां पे सबसे बड़ी? ये है कि जो ये लद्दाख है इस का इधर से जो ये वाला क्षेत्र है।, है ना और इसी लद्दाख का अगर मैं ऊपर की बात करूंगा तो लगभग यहां से ये वाला भाग है इस पर अधिकार कर रखा है किसने ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को क्या कहा जाता है लद्दाख के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं पूरा नहीं बता रहा हूं इसी कहा जाता है अक्साई चीन ठीक है जी और इधर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान पीयूके के अंतर्गत आता है यह बैठता है टोटल एरिया का लगभग 30 परसेंट जबकि यह बैठता है टोटल एरिया का 10 परसेंट यानी 40 परसेंट पार्ट ऐसा है जिस पर अधिकार कर रखा है किसने एक तरफ से चाइना ने दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने तो एक एक करके बस अब इसी के बारे में हमें समझना है कि लेह लद्दाख के बारे में क्या मैटर है क्या है ओके मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं इसके बारे में देखो ध्यान से पहली बात जो लद्दाख है ये नॉर्थ मोस्ट रीजन है हमारे भारत का सॉरी लेह ये क्या है भारत का हमारे भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है अगर मैं यहाँ की क्लाइमेट की बात करूंगा तो क्लाइमेट कैसी है दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो भाग है ध्यान से सुनना यह ऐसा भाग है हमारे भारत का जो समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर है और यहाँ पूरे साल टेम्परेचर डाउन ही रहता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है इस वजह से यहाँ की अगर मैं क्लाइमेट की बात करूंगा तो यहां की क्लाइमेट कैसी है तो आपका आंसर होगा कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है कैसी है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है इसीलिए इसको हमारे भारत का क्योंकि रेनफॉल ही नहीं होती समुद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित है इसीलिए इसे हमारे भारत का कोल्ड डेजर्ट एरिया माना जाता है इसको क्या माना जाता है कोल्ड डेजर्ट एरिया माना जाता है यानी हमारे भारत का यह एक ठंडा मरुस्थली क्षेत्र है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या क्या बताया मैंने बताया कि जो लद्दाख है ध्यान से सुनना इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया तो आपका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया फिर से एक बार याद करेंगे हम लोग लद्दाख ध्यान से सुनना अगर मैं आगे बात करूंगा तो लद्दाख में कितने जिले हैं दो जिले हैं जिनमें सबसे बड़ा लेह है और दूसरा जिला कारगिल है बात समझ में आ रही है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसी में अगला पॉइंट होगा कि यहां की क्लाइमेट कैसी है आपका आंसर होगा कोल्ड क्लाइमेट है क्योंकि यहां पे रेनफॉल नहीं होती है इसलिए ड्राई माना जाता है इसको बात क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते कुछ और बेसिक पॉइंट जानते मुख्य रूप से हम किसकी बात कर रहे हैं लेह की सर अगर आपसे पूछा जाता है कि लेह की लोकेशन क्या है किस नदी के किनारे लोकेटेड है तो आपको अच्छे से पता है कि लेह वाले रीजन से एक भारत की ऐसी नदी है भारत की ही नहीं एक ट्रांस नदी है जो चाइना से निकलती है फिर भारत में आती है फिर पाकिस्तान में जाती है एंड दिस रिवर इज कॉल्ड वॉट इंडस रिवर तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा ये कहां पर स्थित है तो आपका आंसर होगा लोकेटेड एट बैंक ऑफ इंडस रिवर ये कहां पर स्थित है तो आपका आंसर होगा यह सिंधु नदी के किनारे पर है साथ के साथ पॉइंट याद होते जा रहे हैं ना कहां पर है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा लेह की तो इसमें और क्या खास बात है बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है सर अगर मैं ईस्ट की बात करूंगा तो ईस्ट में कौन सा रीजन है अक्साई चीन रीजन है कौन सा क्षेत्र है अक्साई चीन ठीक है जी अगर मैं इसके साउथ की बात करूंगा तो साउथ में क्या पड़ता है एक तो पड़ता है कारगिल और आगे अगर मैं बात करूंगा तो और पड़ता है फिर हिमाचल भाई आप मैप देखो मैप के अकॉर्डिंग लेह के साउथ में क्या होगा यहां पे हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा होगा ये कारगिल हो गया है ना और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो साउथ ईस्ट में क्या आएगा सॉरी साउथ वेस्ट में क्या आएगा तो आपका आंसर होगा साउथ वेस्ट में है इसकी जम्मू कश्मीर अगर पूछा जाता है इसके ईस्ट में आ, वेस्ट में क्या है तो जो पश्चिमी भाग है पश्चिमी भाग में आता है गिलगित रीजन और नॉर्थ में अगर पूछा जाता है नॉर्थ में क्या है तो आपका आंसर होगा चाइना है नॉर्थ में कौन सा देश है चाइना है बात क्लियर है यहां तक चलिए अगला पॉइंट होगा दोस्तों इसी में मैंने कहा अगर मुख्य नदी का नाम पूछा जाता है तो यहां कौन सी मुख्य नदी है तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी जो है यहां की मुख्य नदी है और आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट और होगा कि यहां पर कौन कौन से माउंटेन मौजूद हैं तो अगर आपसे माउंटेन का नाम पूछा जाता है कि भाई यहां पर कौन कौन से माउंटेन मौजूद हैं तो देखो ध्यान से आप कौन कौन से माउंटेन बताओगे भाई यहां पर इस टाइप से क्या फैला हुआ है काराकोरम रेंज उसके बाद में कौन सी रेंज है यहां पे लद्दाख रेंज और लद्दाख के नीचे कौन सी है जास्कर रेंज बात समझ में आ रही है यानी कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन सी रेंज के बीच में लोकेटेड है तो आपका आंसर होगा काराकोरम एंड जास्कर रेंज इसी में है लेह काराकोरम और जास्कर श्रेणी के मध्य है अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे है ना इसको डिवाइड कर लेंगे तब पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आएगा सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं ईस्ट लद्दाख के बारे में या फिर ईस्ट लेह के बारे में बात समझ में आ रही है यानी कि हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं अक्साई चीन के बारे में ओके देखो ध्यान से सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अक्साई चीन है क्या देखो जब भी आप फोकस करोगे इंडिया के मैप पर तो आपको जानकारी हासिल होगी कि यहां से लगभग ये वाला जो क्षेत्र है इस पर हमारे भारत का अधिकार नहीं है इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर होगा अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है बात क्लियर है यहां तक चलिए इसी को क्या कहा जाता है अक्साई चीन अच्छा एक बात बताओ आप जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें हाथ से मैप बनाऊं या डिजिटल मैप उठाऊं गूगल से जल्दी बताऊं अक्साई चीन की अगर मैं बात करूंगा तो यह है क्या तो आपका आंसर होगा यह है इंडियन रीजन ऑफ लेह एक्चुअल में यह क्या है तो आपका आंसर होगा यह भारतीय लेह का क्षेत्र है लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई इसकी ठीक है गूगल मैप का यूज करना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम क्या हुई प्रॉब्लम ये हुई इसको इनवेडेड कर लिया इन्वेडेड बाई चाइना कब 1962 में चीन ने क्या कर लिया अधिकार कर लिया कब उन्नीस सौ में चीन ने जब उन्नीस में अधिकार कर लिया तो प्रेजेंट टाइम में क्या है अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहां पर क्या है वास्तविक नियंत्रण रेखा है यहां पर क्या है वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या करती है इसको भाई इधर वाला ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा लेह तो ये क्या करती है इसको सेपरेट करती है ये क्या करती है इसको लेह से अलग करती है बेसिक जानकारी आपको पहले से थी मैंने बस रिवाइज कराई है बात समझ में आ रही है अब अगला पॉइंट होना शुरू हुआ विवाद शुरू होता है और इस वाली तरफ पे कहां -कहां, क्या विवाद -क्या है उनको हम नॉर्थ से साउथ की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले यहां इस वाले पॉइंट पर आ जाते और इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है दौलत बेग ओल्दी डीबीओ बोला जाता है इसको ठीक है जी इसे क्या कहा जाता है जो आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है अगर आपके पास एटलस हो तो आप ओपन करके बैठो आगे से मैं आपको बताता चलूंगा एटलस आप ओपन करके बैठना क्योंकि अचानक से मैंने क्लास रख दी ठीक है तो एटलस आप लोग ले लो ज्यादा बेटर होगा सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं वहां पे क्या है दौलत बेग ओल दी सबसे पहली बात ये कहां पर स्थित है एकदम नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पर है नॉर्थ मोस्ट बॉर्डर रीजन है ना चाइना और इंडिया यह है क्या भारत और चीन सीमा का उत्तरी बिंदु है क्या है ये भारत और चीन की सीमा का उत्तरी बिंदु है मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि यहीं से एलएसी का बॉर्डर शुरू हो रहा है यहां पर हमारे भारत की एक नदी बहती है यहां से यों ठीक है यहां पर क्या है हमारे भारत की एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है श्योक आप याद रखना हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर आप सीधा सीधा ये बोलो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दरबुक नामक स्थान से लेकर के दौलत बेग ओलदी तक जाने के लिए एक 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है जिससे कि जो एल बॉर्डर है उस एल बॉर्डर पर हमारी सेना की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो बात समझ में आ रही है और ज्यादा स्थिति मजबूत हो तो लेह का जो दरबुक क्षेत्र है उस दरबुक क्षेत्र से ध्यान से सुनना यानी जो हमारे इंडिया का जो दरबुक क्षेत्र है दरबुक क्षेत्र से इसको कनेक्ट करता है दोलत बेग ओल्दी को एक रोड जिसकी लंबाई कितनी है 255 किलोमीटर है मैं इस बात को लिखता हूं यहां पे, है ना कनेक्टेड विद दरबुक डीएसडीबीओ रोड दो सौ पचपन किलोमीटर बात बराबर है यहां तक चलिए मैं लिख देता हूं दरबुक से डीएसडीबीओ सड़क द्वारा जोड़ता है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे दौलत बेग ओल्दी किस देश का पॉइंट है हमारे भारत का है बात समझ में आ रही है कहां स्थित है एकदम नॉर्थ मोस्ट रीजन में स्थित है कोई दिक्कत यहां से अब दोस्तों इस डीबीओ से जब आप नीचे की तरफ आओगे दौलत बेग ओल्दी से नीचे की तरफ आओगे आप है ना तो इससे नीचे की तरफ आने पर एक और पॉइंट पड़ता है जो बिल्कुल यहीं पर बॉर्डर पे है सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं इसे कहा जाता है दीप सांग प्लेन क्या कहा जाता है इसको दीप सांग मैदान कहा जाता है तो हमारे पास अब दूसरा पॉइंट क्या है स्टडी करने के लिए आपका आंसर होगा दीप सांग प्लेन सांग प्लेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है ये है हाई एल्टीट्यूड प्लेन है ना ये है ऊंचाई पर स्थित मैदान और ये कहां पर स्थित है नियर डिस्प्यूटेड रीजन ये विवादित क्षेत्र के पास है जो स्टूडेंट लंबी थ्योरी लिखने के मूड में नहीं होते हैं वो वन लैंडर पॉइंट में भी लिख सकते हैं ठीक है मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूं देखो ध्यान से मैंने क्या बताया अब तक मैंने क्या बताया देखो ध्यान से मैंने बताया सर मैप क्या है ग्लोब क्या है ये तो बता ही दिया उसके बाद हमने पढ़ा लद्दाख यूनियन टेरिटरी 2019 में बना दो जिले हैं लद्दाख के पहला है लेह दूसरा कारगिल लेह के बारे में मैंने आगे बताया कि नॉर्थ मोस्ट रीजन है यहां की क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई है इसलिए इसको डेज कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट में रखा जाता है है ना टुंड्रा क्लाइमेट भी कह सकते हो आप इसको कोई दिक्कत नहीं लेह के बारे में मैंने बताया कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है मैंने कहा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है आगे हमने कहा कौन कौन सी यहां माउंटेन मौजूद है लद्दाख जास्कर काराकोरम तीन माउंटेन रेंज यहां पर मौजूद है फिर हमने पढ़ा कि इसके ईस्ट में क्या है अक्सई चीन वाला रीजन है फिर हमने पढ़ा कि इसके साउथ में क्या है कारगिल और हिमाचल है साउथ वेस्ट में जम्मू कश्मीर है वेस्ट में गिलगित बाल्टिस्तान है नॉर्थ में चाइना है एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एनएच वन और एनएच थ्री ये किसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट करते हैं लेह और श्रीनगर को नोट कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एन एच थ्री कनेक्ट करता है लेह को किसके साथ मनाली के साथ मतलब जो आपके माइंड में ख्वाब आते होंगे ना कि सिलेक्शन होने के बाद रेंटल जो बाइक मिलती है वहां पे बाइक लेके आराम से जाना है गाना सुनते हुए चला जाता हूं किसी भी धुन में किसी भी मस्ती में क्या बोलता है वो दिल के तराने लिए हुए तो अगर आप बाकी में एडवेंचर करना चाहते हैं और आपके माइंड में वो जो नेचर ब्यूटी चलती होगी आप रील वगैरह में वीडियो वगैरह में देखते हो तो वो नेशनल हाईवे एनएच थ्री वाली है क्योंकि पूरा का पूरा माउंटेनियस हाईवे है ये ठीक है तो याद रखना एनएच थ्री जो है एनएच थ्री लेह और मनाली को कनेक्ट करता है एनएच वन लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है एक एक करके मैंने इसका सेक्शन आपको पढ़ाना शुरू किया उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है उन्नीस में चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया एलएसी लाइन है जो इस क्षेत्र को हमारे लद्दाख से अलग करती है और नॉर्थ से जब हमने बॉर्डर को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले क्या पड़ता है यहां पे दौलत बेग ओल्दी पड़ता है उससे जब नीचे आएंगे तो देवसांग का मैदान पड़ता है अब हमें और नीचे आना है तो तीसरे नंबर पर जो पड़ेगी वो है गलवान घाटी क्या पड़ेगी गलवान घाटी एक्चुअल में एक सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है देखो जो गलवान है ये एक गलवान रिवर है और ये जाकर मिल जाती है कौन सी नदी में सियोक रिवर में और सियोक रिवर फर्दर किस में मिल जाती है इंडस रिवर में एक बात दोबारा सुनोगे सिंधु की सहायक नदी का नाम क्या है सियोक है सियोग की सहायक नदी का नाम क्या है गलवान है तीनों पॉइंट तैयार हुए आपके प्रॉब्लम क्या है कि जो ये गलवान नदी है ध्यान से सुनना इस गलवान नदी अब ये वाली नदी मैंने कौन सी बना रखी है सियोग अब ये गलवान नदी यहां से यूं निकलेगी अब आप देख पा रहे हो कि इसका ओरिजन कहां से हो रहा है अक्सई चीन वाले रीजन से हो रहा है तो चाइना ने क्या किया इस नदी के किनारे पर इस नदी के दोनों तरफ कॉन्क्रीट की रोड बनाना शुरू कर दिया पहाड़ी क्षेत्र में एक मजबूत पक्की सड़क का बनना एक बड़ा टास्क होता है और इसकी सबसे बड़ी जो हेल्प मिलती है ना वो सैनिकों को मिलती है कि जब कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो सैनिक बड़ी तेजी से वहां पर आवागमन कर सकते हैं पहले हमारे भारत के पास यहां सड़कें नहीं थी तो सियोग नदी को मौत की नदी कहा जाता था क्योंकि सैनिक पैदल यहां से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि अगर पैर स्लिप हो गया तो सीधे जाके घाटी में गिरे और वहीं शहीद हो गए तो श्योक नदी को कहा जाता था मौत की नदी चाइना ने अपना यहां पर रोड बनाना शुरू कर दिया भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई एक्साइज चीन तुम्हारे पास है बना लो जब तक जो बनाना है जैसे ही हमारे भारत ने यहां पर डीएसडीबीओ रोड बनाया तो चाइना को लगा कि भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत करने लग गया है लॉकडाउन के टाइम पे आपको याद होगा तुरंत बवाल मचना शुरू हो गया यहां पे सीज फायरिंग का उल्लंघन हो गया दोनों तरफ से गोली गोली चलना शुरू हो गई तो गलवान घाटी ये विवाद उस टाइम पर चर्चा में आई थी और ये बिहार की एग्जाम एक 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 में भी पूछी गई है शायद बिहार एसआई के एग्जाम में पूछी गई थी कमेंट करो कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पता है क्या पूछा जाता है हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य विवादित है आंसर क्या होगा आपका चीन और भारत ओके तो मैं लिख देता हूं जो गलवान घाटी है एक नदी घाटी है इसको लेकर के चीन भारत विवाद रहता है आगे बात समझ में और एक एक्सप्लोरर था जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान उसने क्या नाम है अंग्रेजों को यह रास्ता दिखाया था कि आप यहां से यूं होकर के चाइना के लिए भी जा सकते हो इसी बात से खुश होकर अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है इस नदी का नाम जो होगा ना वो तुम्हारे नाम पे रखा जाएगा यानी कि गलवान नदी तो जो ये गलवान है ये हमारे भारत का एक एक्सप्लोरर हुआ करता था उसके नाम पर इसको रखा गया है एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे सीक्वेंस में सबसे पहले क्या पड़ेगा यहां पे डीबीओ यानी दौलत बे गोल्दी पड़ेगा उसके बाद देवसंग प्लेन और उसके बाद फिर यहां पर क्या पड़ेगी ये तो आपका आंसर होगा गलवान कौन सा क्लेश पॉइंट पड़ेगा गलवान घाटी तो पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा भैया हो गया ये अब आ जाओ चौथे पॉइंट पर जो चौथा पॉइंट है वो है पैगोंगसो लेक पहले ईमानदारी से बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं सच बताना जो भी हो झूठ नहीं ठीक है यहां पे देवसांग प्लेन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है राज्य करके ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो आप सीधा सीधा बोलोगे किस राज्य में है या कहां पर है आप बोलोगे लद्दाख में स्थित है ठीक है किधर स्थित है लोकेशन मैंने बता दी उधर ही सीक्वेंस में चलना है हमें मैं तीन पॉइंट बता चुका हूं नॉर्थ टू साउथ सबसे पहले आएगा दौलतबेगोल दी उसके बाद आएगा देवसांग प्लेन उसके बाद गलवान वैली अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में आएगा आप पैगोंगसो लेक इसका भी क्या बवाल है देखो ध्यान से पैगोंगसो झील अब आप लोगों की डिमांड है कि नहीं सर डिजिटल मैप उठाओ तो मुझे एक परसेंट दिक्कत नहीं है एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये ये हो मैं आज हो गई लेट गया नहीं तो ये मैप ना पहले से मैं डाउनलोड करके डाल लेता ना वो ज्यादा ठीक रहता दरअसल मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं मैं बनाता रहता हूँ हाथ से तो फिर अब आप लोगों की स्पेशल डिमांड आई है नहीं सर हम तो ये अच्छा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा सेव इमेज हो गया वेरी गुड बस एक मिनट का टाइम दोगे चलो भाई हो गया कहा इस मैप पर फोकस करो आप देखो एक एक करके मैं बताता हूं आपको ये हमने अभी पढ़ी लिया अक्साई चीन वाला रीजन है राइट यहां से हम यू आ रहे हैं ये गलवान वैली हम पूरा कर ही चुके हैं इसमें देवी नहीं रखा, वो भी हमने पढ़ लिया गलवान वैली से नीचे की तरफ आएंगे तो हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है गर्म जल का स्रोत इसकी कोई यहां पर जरूरत नहीं है अब देखो आपको यहां पे यह दिख रही है बॉर्डर पे यहां पर यह एक झील है और यहां तक अंदर तक फैली हुई है पैगोंगसो झील ठीक है ना कौन सी झील है पैगोंगसो झील पैगोंगसो झील आपको यहां पे बॉर्डर पे दिख रही ही होगी और इसकी कंडीशन क्या है इसको मैं अभी आपको समझाता हूं ठीक है जी देखो ध्यान से अड्डा दूसरे अभी चलो बाद में दोबारा लगा देंगे इस लेक की अगर मैं बात करूंगा तो ये है हमारे भारत की हाईएस्ट स्लाइन वाटर लेक ये है सबसे ऊंची खारे पानी की झील है बात समझ में आ रही है ये कैसी है ये है सबसे ऊंची खारे पानी की झील अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना ये खारी क्यों है एक्चुअल में ये ना लैंडलॉक है या मैं ये लिख देता हूं बाउंडेड लेक है ये कैसी झील है भूमिबद्ध झील है देखो ये माउंटेन है यहां पे और इन्हीं माउंटेन के ऐसे लगभग यू ऐसे यू माउंटेन की ना ऐसी किनारी सी बनी हुई है तो मैंने बताया आपको अभी जैसे ये वाला सेक्शन जो है ये तो एक माउंटेन हो गया और बना लेते हैं आगे इस टाइप से कुछ ही लेक बनी हुई है अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना जो मैं बता रहा हूं ठीक है होता क्या है ये पूरी तरह से बाउंड है इधर से भी इधर से भी तो पानी इस नदी में जो आता है ग्लेशियर मेल्ट होने से वो पानी यहां पे भरा रहता है पानी यहां भरा रहेगा कहीं जाएगा नहीं पानी और जब पानी यहां पे भरा रहेगा तो इसके बाद एक और यहां पे प्रॉब्लम होती है ये जो माउंटेन है माउंटेन से क्या रिलीज होते हैं मिनरल्स जो माउंटेन है इस माउंटेन से मिनरल्स रिलीज होंगे और जो मिनरल्स रिलीज होते हैं वो इसी के इसी के में है ना मिनरल्स जो रिलीज होते हैं ना वो इसी के इसी में भरे रहते हैं इसी वजह से ये जो झील है इसका वाटर स्लाइन वाटर पाया जाता है इसमें मैं लिख देता हूं इसके पीछे कारण क्या है ठीक है कारण है इसके पीछे स्लैन होने के क्योंकि इसमें डिपोजिशन है किसका डिपोजिशन ऑफ रॉक मिनरल्स चट्टानी खनिजों का जमाव है चट्टानी खनिजों का जमाव होने की वजह से यह हमारे भारत की ठीक है सबसे ऊंची खारे पानी की झील है अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना ये जो मैंने यहां ये बना रखी है ना आपको लग रहा होगा कि टाइम पास कर रहे हैं इसको बनाने में है? नहीं ध्यान से सुनना ये जो पॉइंट है ना इसको फिंगर्स बोला जाता है फिंगर्स ऑफ लेक आगे बात समझ में जो टोटल आठ है इसे कहा जाता है फिंगर्स ऑफ लेक जो कॉर्नर है अब अगर हम देखेंगे इस झील में क्या कंडीशन है भाई साहब आप ऐसे समझ लो कि ये एल ए सी लाइन है तो बताओ डिस्प्यूटेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी ऐसा माना जाता है ध्यान से सुनना जो ये पैगोंगसो झील है इसका 50 परसेंट पार्ट जो है वो तो है चाइना में या तिब्बत में 10 परसेंट इसका भाग है अक्साई चीन में और 40 परसेंट जो इसका पार्ट है वो है हमारे लेह में ठीक है जी कहां पर है लेह में तो अक्सर करके ये क्या है यहां पर ये एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है किस किस के बीच में क्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये क्या है भारत और चीन के मध्य विवादित बिंदु है दोस्तों आप इतना ट्रस्ट कर लेना मेरे पे ठीक है कि मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछी गई है यहां से आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते होंगे आपको ये सारे वर्ड सुनने को मिल जाते होंगे ओके देखो ध्यान से मैंने क्या कहा क्लैश पॉइंट बना हुआ है पैगोंगसू लीक और ये भी लॉकडाउन के टाइम पे चर्चा में आया था एक्चुअल में पता है क्या यहां पर एलए लाइन ये हो गई ये बॉर्डर हो गया इंडिया और, और क्या नाम है चाइना वाला अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे भारतीय भी अपनी पेट्रोलिंग करते हैं और ये चीनी सैनिक भी पेट्रोलिंग करते हैं तो उसी पेट्रोलिंग के दौरान झड़प हो जाती है और ये वही क्षेत्र है जहां पर भाई साहब चाय भिजवा दो ये वही क्षेत्र है जहां पर थ्री इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है ना थ्री इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है वो सूट हुआ था वहां पर अगर आपको याद हो तो अब यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पैगोंगसो लेक किस किस देश की सीमा पर स्थित है पैगोंगसो लेक का पानी खारा क्यों है बात समझ में आ रही है एल एसी लाइन बोला मैंने पैगोंगसो है उसका पानी खारा क्यों है तो मैंने आपको बता दिया कि खारा पानी होने के पीछे कारण क्या है बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जब हम पढ़ रहे थे अभी क्लैश पॉइंट के बारे में तो उन क्लैश पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको देखो ध्यान से मैंने टोटल चार क्लेश पॉइंट बताए एक बार मैं उनको ना रिप्रेजेंट कर देता हूं ठीक है फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा गया भाई इस पर ना दिमाग जब भी ख़राब होता है जब जरूरत होती है ना तो मैं मिलती नहीं है फिर लगता है छोड़ हटा यार हाथ से बना के फ्री करो उसे वाला डाउनलोडेड है हमारे पास इसी को देखो आप देखो लगभग यहां से हमने मान लिया कि ये हमारा ऐसे ये कौन सा रीजन है पूरा का पूरा ये है भैया अक्साई चीन ठीक है ये क्या हो गया अक्सय चीन अब ध्यान से सुनना मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाया इस रीजन में क्या पड़ता है हिंदी में लिख देता हूं यहां पे पड़ता है दौलत बीक ओल पहला पॉइंट उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां दूसरा पॉइंट पड़ेगा और इसको मैंने नाम क्या बताया था दीप सांग मैदान पूरा समझ में आया तीसरा पॉइंट लगभग यहां पड़ेगा इस पूरे के पूरे रीजन में और इसको हमने क्या नाम दिया गलवान वैली तीसरा हो गया डिस्प्यूटेड पॉइंट इससे और नीचे आएंगे तो फिर अभी हमने क्या पढ़ा यहां फोर्थ नंबर पे, यहां यू एक लेक थी फोर्थ नंबर पे जिसका नाम क्या है पैगोंगसू झील चार क्लेश पॉइंट हो गई ठीक है अब पांचवा क्लास क्लेश पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना यहां पर एक सेक्टर पड़ता है जिसका नाम है चुसूल यहां एक घाटी पड़ती है जिसका नाम क्या है चुसूल घाटी बात क्लियर यहां तक यहां कौन सी घाटी पड़ती है चुसूल घाटी पड़ती है और चुसूल घाटी को समझने के लिए मैं आपको एक और मैप सम दिखाता हूं हाँ बारह के कोई दिक्कत नहीं ऑफ कर दी उसे आज यूट्यूब पे मन लग रहा है आप इस वाले मैप को और देखो यहां थोड़ा सा आपको देखेगा देखो ये वाला जो पॉइंट है ना ये है जी आपकी पेगोंगसो लेक बहुत ध्यान से सुनना ये जो मैंने बना रखी है इस पेगोंगसो लेक से जब आप नीचे की तरफ देख रहे होगे तो यहां पे आपको ये क्या दिख रहा है चुसूल दिख रहा है ये क्या है यहां पे चुसूल चुसूल एक घाटी है जहां पर इंडिया की एयर स्ट्रिप बनी हुई है और इसी घाटी में एंटर होने के लिए यहां पर एक दर्रा है ये जिसका नाम है रेजांगला और एक दर्रा है जिसका नाम है रेचिनला रेजांगला और रेचिनला ये क्या है दर्रा है बात समझ में आ गई देख रहा है आपको इस पांगुर गैप थोड़ा सा इधर की साइड है लेकिन अगर मैं बात करूंगा पैगोंगसु लेक का जो साउथ बैंक है यानी जो दक्षिणी किनारा है इसके थोड़ा सा इधर की तरफ ये चुसूल है चुसूल एक घाटी है और चुसूल घाटी में एंट्री कहां से किया जा सकता है तो आपका आंसर होगा रेजांगला दर्रे से होकर के और अब आप आगे की पूरी कहानी समझ गए हो गे। आगे की पूरी कहानी तो आपको याद आ गई होगी रेजांगला से तो चलिए अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक ना मतलब चुसूल वैली और अब हम क्या पढ़ेंगे यहां पे चुसूल वैली के बाद में ये ये वाला जो पॉइंट है यहां पे क्या जाएगा रिजांगला ठीक है याद आ रहा है कुछ आपको रेजांगला के बारे में रिजांगला बेसिकली क्या है चुसूल घाटी में एंटर होने के लिए एक पास है माउंटेनियस पास है ठीक है मैं लिखता हूं इसके बारे में देखो फोर्थ नंबर पे लिख देता हूं फिफ्थ नंबर पे लिख देता हूं मैं रेजांगला रेजांगला के बारे में अगर हम देखेंगे तो ध्यान से सुनना ये क्या है गेटवे ऑफ लेह आगे बात समझ में सूल घाटी लोकेटेड कहां पर है भैया ये पूरा का पूरा जो मैप देख रहे हो ना लद्दाख का यहां हिमाचल तो है ही नहीं दूर दूर तक गेट वे ऑफ लेह लेह का प्रवेश द्वार है रेजांगला और ये अपने आप में है क्या तो आपका आंसर होगा ये है माउंटेनियस पास ये क्या है अपने आप में एक पर्वतीय दर्रा है ठीक है क्या है अपने आप में एक पर्वतीय दर्रा है रिजांगला में लड़ाई जो हुई थी उसमें 18 नवंबर उन्नीस की बात है जहां पर एक अहि रेजिमेंट ने यहां पे लड़ाई लड़ी थी और ऐसा माना जाता है 120 भारतीयों ने 1500 चीनी सैनिक मार दिए थे ठीक है 1500 चीनी सैनिक मारे जो सोल वैली जो है इसे क्या माना जाता है तो आपका आंसर होगा यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहां पर हमारे इंडिया की एयर स्ट्रिप है दोस्तों ओवरऑल अब हम पहुंचे हैं एक मुद्दे पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम पूर्वी लद्दाख की बात करेंगे तो चाइना के साथ पांच हमारे क्लैस पॉइंट हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है ना एक एक करके मैं सारे करा दूंगा है ना ध्यान से सुनना यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है पांच क्लेश पॉइंट में सबसे पहले आप देखोगे एक बार मेरे साथ जल्दी से रिपीट करोगे सबसे पहला पॉइंट कौन सा है दौलत बे गोल्दी है दूसरे नंबर पे देवसांग प्लेन है तीसरे नंबर पे गलवान घाटी है चौथे नंबर पे पैगोंगसो लेक है पांचवें नंबर पे रेजांगला है पांचवें नंबर पे क्या है रेजांगला है एयर स्ट्रिप का मतलब हवाई पट्टी जहां पर सैनिकों के हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं और जहां से आवागमन रहता है ठीक है पांच क्लैश पॉइंट यहां पर हमारे ऐसे हैं जो कि विवादित हैं किसके साथ चाइना के साथ बात समझ में आ रही है पैगोंगसो लेक के बारे में पूछा जाएगा कि ये इसमें कैसा पानी पाया जाता है तो आपका आंसर होगा जो पैगोंगसो लेक है इसमें पानी पाया जाता है कैसा खारा पानी क्यों क्योंकि पूरी तरह से बाउंड है ऐसी कौन सी लेक है जिसमें फिंगर्स पाए जाते हैं जिसके कॉर्नर को फिंगर नाम दिया गया है पैगोंगसो लेक है बात समझ में आ रही है कौन से पॉइंट पर ज्यादा क्लैश रहता है फिंगर फोर पर है ना चौथे पॉइंट पर हमेशा कोई ना कोई विवाद रहता ही रहता है यहां तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया वेरी गुड चलो अब और आगे बढ़ते हैं सर जब हम और आगे बढ़ेंगे ना तो याद रखना यहां मैं केवल अभी तक लेह की बात कर रहा हूं इस वाले रीजन में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस क्या है यहां पर हेमिस नाम से नेशनल पार्क है और जो ये चुसूल लिख रखा है मैंने इसी के यहीं पर एक इस वाले रीजन में यहां पर एक लेक है मैं लिख देता हूं लेह में क्या क्या है एक तो है भैया हेमिस नेशनल पार्क और एक है यहां पर सो तो सो मोररी लेक ये तो है हमारे भारत का रामसर बैटलैंड और यह है हमारे इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्या कहते हो मजे ही मजे अब टाइम आपका हो चुका है इसे पूरा फिनिश कर दूं मैं अभी हमने इतना सेक्शन पढ़ा है इसका भी फिनिश कर दूं अगर आपके पास टाइम हो तो कोई दिक्कत ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सैटरडे का टाइम है अगली क्लास में उसको ऑफ करा दूंगा है ना एक लंबे अरसे के बाद यूट्यूब पर क्लास लेने में मजा आ रहा है जल्दी बताओ अब यहां से आपका एक मैं सच बता रहा हूं आपको ना पचास से साठ क्वेश्चन यहां से निकलवा के जाऊंगा अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है आपका आंसर क्या होगा हमारे भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हैमिस नेशनल पार्क है किस यूनियन टेरिटरी में है लद्दाख में है किस जिले में है में 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 है है? है किस जिले में है? है। बात है यहां तक चलो सारे लोग एग्री कर रहे हो तो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं नॉर्थ की और इधर वेस्ट वाले रीजन की, इधर क्या है? है ना? इस वाले रीजन की बात करते हैं ओके चलिए आगे से मैं जो क्लास लूंगा ना उसमें मैं पहले से डाउनलोड रखूंगा भाई क्लियर हो जाए थोड़ा चलो हो गया कहा इस मैप को देखो आप ध्यान से जब आप इस मैप को देखोगे तो इस मैप को देखने पर आपको क्या जानकारी प्राप्त होगी सर जानकारी यह प्राप्त होगी कि यहां से जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के अधिकार में नहीं है इस पूरे के पूरे भाग को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर होगा पीओके कहा जाता है इस पीओके का जो ऊपर का भाग है जो लद्दाख के क्या नाम है लद्दाख की रेंज में आ रहा है इसे गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है हाँ या ना जबकि नीचे का जो भाग है इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर इसे क्या कहा जाता है आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना यहां पता है क्या है आजाद कश्मीर कहा जाता है ठीक है सर उन्नीस में पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे भाग पर अधिकार कर लिया और यहां एल लाइन है जो पीओके को हमारे इंडियन टेरिटरी से अलग करती है क्लियर है यहां तक चलिए सर ऊपर की तरफ से जब आप देखना शुरू करोगे तो आपको यहां पर यह वाला क्षेत्र और दिखाई दे रहा है ये वाला जो ये वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है तो तब आपका आंसर होगा इस वाले क्षेत्र को सक्ष घाटी के नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है इसे घम घाटी के नाम से जाना जाता है और सक्षगम घाटी को क्या हुआ था चाइना ने क्या किया था चाइना को पाकिस्तान ने ये ऐसे ही गिफ्ट में दे दी कौन सी घाटी सक्षगम घाटी कब उन्नीस में और सक्षिगम घाटी वही घाटी है जहां पर के टू पीक स्थित है बात समझ में आ रही है यहां पर कौन सी पीक है तो आपका आंसर होगा यहां पर के टू पीक स्थित है क्लियर है यहां तक चलिए मैं बताता हूं इसको देखो ध्यान से नॉर्थ वाले सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाता है देखो ध्यान से सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाती है सख्सगम घाटी ठीक है जी ये किसका पार्ट है प्रेजेंट में किसका पार्ट है देखो 1947 में इसको इन्वेडिड कर लिया गया और इसको किसका पार्ट बना दिया गया पार्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान 1947 से है ना ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है और 1947 से पहले किसका भाग था भारत का भाग उन्नीस में क्या होता है कर दे तिरसठ में क्या हुआ पाक ने क्या किया पाक गिफ्टेड टू चाइना पाकिस्तान ने इसको क्या कर दिया गिफ्ट में दे दिया किसको दे दिया चाइना को दे दिया आगे बढ़े सक्षगम घाटी जो है इसी के नॉर्थ में एक और घाटी पड़ती है जिसका नाम है हुंजा वैली इसे पता क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ और ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ का मतलब होता है जहां लोग सामान्य से ज्यादा है ना लोग सामान्य से ज्यादा जहां पर अपनी जीवन को जीते हों 1934 की बात है 1934 में यह क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में आया था क्योंकि ब्रिटेन की ब्रिटेन ने एक महिला को बीजा देने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि आपकी जो आपका जो जन्म तिथि है वो अठारह है मतलब 102 साल के करीब के हो गए हो आप बीजा लेके क्या करोगे फिर ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ कि 102 साल के कैसे हुए एक्चुअल में ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ कहने का मतलब ये है कि यहां पर जीवन सबसे ज्यादा जीते यहां के लोग 60 से 70 साल की एज में भी वो ऐसा फील करते हैं जैसा हम लोग 35 से 40 की एज में फील करते हैं मतलब काफी यंग रहते हैं काफी स्वस्थ रहते हैं कैंसर जैसी बीमारियों को पता ही नहीं है इन लोगों को ठीक है तो याद रखना ये जो हुंजा वैली है ये किस लिए जानी जाती है तो एक तो जानी जाती है ये क्या बोलते उसको लाइफ एक्सपेंड पता नहीं क्या बोलते उसको जीवन प्रत्याशा लिखता हूं जीवन प्रत्याशा के लिए और यह जानी जाती है ब्यूटी के लिए सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं हैं यहां पर हुंजा बैली ये किसका पार्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट है ठीक है जी नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अब अगला पॉइंट आएगा इसके बाद में कारगिल कारगिल की अगर मैं बात करूंगा तो ये सुरु रिवर के बैंक पर है उन्नीस में क्या हुआ था है ना उन्नीस में क्या हुआ था भाई साहब उन्नीस में युद्ध हुआ था और जो इंडिया पॉक इंडिया पाक वार हुआ था इसी में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन विजय चलाया था और विनर कौन रहा था इसमें इंडिया ये नोट करो जल्दी से पॉइंट ऑपरेशन विजय चला था ना यहां कौन सा ऑपरेशन चला था ऑपरेशन विजय आगे बढ़े एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो ये वाला क्षेत्र है ना गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है इसी में एक तो देखो सक्षगम घाटी बता दी मैंने एक हुंजा घाटी बता दी एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना रखना है इसमें ये एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन सान्दुर प्लेन जो ये शां मैदान है ना यहां पर है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड यहां पर क्या है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है यहां पर क्या है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है ये टी उसने टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है कारगिल डे कब मनाया जाता है एक बार कमेंट करूं कारगिल दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करो फटाफट से यूट्यूब वालों कैसे पीछे हो कारगिल डे की बात कर रहा हूं मैं गधो चौदह फरवरी को नहीं मनाया जाता मुक्का खाएगा जल्दी से कमेंट करो छब्बीस जुलाई कारगिल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है छब्बीस जुलाई हो गया ही पूरा नोट चलो अब तक आपने देखा डिजिटल मैप पे, अब हम अपने अकॉर्डिंग कानिस्तानी करेंगे यहां जो कुछ भी पढ़ा हमने मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताते चलोगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं नीचे जम्मू कश्मीर हिमाचल हिमाचल रहेगा उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट टाइम में ठीक है जी अब मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताओगे कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं बताओ इस पूरे के पूरे रीजन का नाम बताओ मुझे क्या है जल्दी से रिवाइज हो जाएगा जो मैं पढ़ा आप, आपको पढ़ाया अभी फटाफट से नाम बताओ इसका इस वाले रीजन का नाम क्या है फोन हाथ में ले लो जल्दी से कमेंट वेरी गुड श्रेया नाम से सबसे पहले यूट्यूब पर आंसर आया इस वाले रीजन का नाम है अक्साई चीन शाबाश कब 1962 वेरी गुड चलो नेक्स्ट इसका नाम बताओ क्या है ये जो रीजन है फटाफट से नाम बताओ इसका क्या है बिना देखे बिना सोचे समझे सीधा आंसर करना है जो आपने पढ़ा जो आपने सीखा इस वाले सेकंड पॉइंट का नाम बताओ क्या गिल गित रीजन है बिल्कुल गलत बताओ क्या होगा गिल रीजन है ना अभी तो पढ़ाया था डिजिटल मैप पे भी दिखाया था सुनील का करेक्ट आंसर आया ठीक है सुनील एवरीथिंग एस एस इसका नाम है सक्षगम वैली सक्षगम वैली अच्छा चलो यहां पे इस वाले क्षेत्र का नाम मैं बता देता हूं इस वाले क्षेत्र का नाम क्या है इसी का नाम है हुंजा वैली इस वाले रीजन में यहां पर क्या है सांदुर प्लेन्स याद आ रहा है जहां पर सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है सांदर पुल अब ये एलओसी लाइन है ना यहीं पे तो कारगिल है ये वाला पॉइंट ये क्या है यहां पे कारगिल लगभग यहां पर कौन सा क्लेश पॉइंट आएगा बताओ इस वाले पॉइंट मैं ये तो हो गया पहला फिर आ गया यहां दूसरा ये तीसरा क्लेश पॉइंट है तीसरे का नाम बताओ चौथा और यहां पांचवा तीसरे क्लेश पॉइंट का नाम बताओ मतलब नलायक है क्या बाकी कुछ याद नहीं हुआ मैंने एक पॉइंट बता दिया कि हुंजा घाटी में सबसे सुंदर महिला है तो वो उसको याद हो गया तुरंत इंसानी फितरत कहीं भी रंग दिखाती है वो वाली बात कर रहे हैं ना तू तो। यहां पर आएगा तीसरे पॉइंट पे गलवान और ये क्या हो गया डीबीओ और ये क्या हो गया दीपसांग प्लेन चौथे नंबर पे पैगोंगसो पांचवें नंबर पे रेजांगला ठीक है ये वाली लाइन कौन सी है एलओसी और इधर से जो ये लाइन आ रही है वो एल अच्छा इन्हीं के बीच में क्या स्थित है यहां पे ये वाला जो पॉइंट है सियाचिन ये क्या है सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये रह गया इसको मैं अभी यहीं पे बता देता हूं सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूंगा तो काराकोरम रेंज पर लोकेटेड है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसे माना जाता है हाईएस्ट बैटल लैंड इसे माना जाता है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर आपसे पूछा जाता है यहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है नुब्रा नदी निकलती है भैया सियाचिन ग्लेशियर में और क्या खास बात है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत कब 1900 चौरासी में उन्नीस में क्या ऑपरेशन मेघदूत हा या ना कौन सा नेशनल हाईवे लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है एनएच वन कौन सा नेशनल हाईवे लेह और मनाली को कनेक्ट करता है एनएच थ्री ठीक है और लिखना चाहो इसी में तो और क्या पढ़ा हमने यहां पर लगभग क्या है यहां और यहां यह तो है रामसर वेटलैंड और यह है हेमिस नेशनल पार्क और अगर आपसे पूछ लेता है ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है तो मैं लिख देता हूं ये है गिलगित रीजन गिलगित बाल्टिस्तान एक बार पूरा मैं अच्छे से देखो मजा आ रहा है नहीं तुझे आ रहा है कुछ समझ में ये पॉइंट तो आप बेसिक तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी आपको आने चाहिए पता है अगर आप मेरा सजेशन मानो तो वैसे मानोगे नहीं मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये एज ऐसी होती है इस एज पे दूसरे की बातें कम अच्छी लगती हैं अपनी बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं आप ना खुद अपने हाथ से बने हुए मैप से पढ़ा करो अगर आप एक बात बताओ आप इस मैप को आप खुद बनाना सीख जाओ थोड़ी सी ही तो लगेगी बट एक बार अगर आप इसको बनाना सीख गए ना तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई भी लोकेशन इधर उधर कर दोगे या भूल जाओगे और अगर आप गूगल मैप पे पॉइंट आउट करना वो सब करना मुझे तो आते मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं दोनों तरह से करा दूंगा आज करने की कोशिश भी की है मैंने लेकिन उस पर कहना पॉइंट लगाते रह जाओगे आप तो मेरा कहने का मतलब है इन चीजों को बनाना सीख लो और ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आपके एग्जाम में आनी है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पे रोज हमारे सैनिक रात दिन एक करके कितना कड़ा पहरा दे रहे हैं आप देखो सियाचिन ग्लेशियर पे वहां पे जब पेट्रोलिंग होती है ना वहां पे तो कोई आ, सर्च करके देखना वहां पे वीडियो पे जो पैरों के नीचे के तलबे होते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं उनमें घाव हो जाते हैं बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है स्किन बिल्कुल अंदर से डेड हो जाती है तो ये वो क्लेश पॉइंट है जिनके बारे में हमें एक देश का नागरिक होने के तहत हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बात समझ में आ रही है या नहीं एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या बताया आपको लेह के बारे में बताया सॉरी लद्दाख के बारे में बताया 2019 में यूनियन टेरिटरी बना है उसके बाद फिर हमने क्या सीखा हमने सीखा सबसे बड़ा इसका क्षेत्र लेह है आगे हमने क्या सीखा सामने आपके सारे के सारे पॉइंट हैं एक लद्दाख की मैपिंग कंप्लीट हुई अभी है ना एक लद्दाख की मैपिंग कंप्लीट हुई अभी इसी बेस पे सारे स्टेट की करा दी जाए तो मजा आ जाएगा <laughs> करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, है ना और मैं आपको बता दूं यूट्यूब वाले स्टूडेंट को बता दूं कि मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं पसरती है।, है कि वो वीडियो हट गए डिलीट हो गए नहीं तो आपको पहले देखने में और लगता कि हाँ बाकी में टीचर ने सोचा समझाया कुछ बीच में थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई तो भागदौड़ का टाइम रहा मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाया अब मेरे पास प्रॉपर टाइम है तो मैं जल्दी ही एक दो दिन में अनाउंस कर दूंगा कुछ ना कुछ जीएस के सेक्शन में मेरे सब्जेक्ट की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर वो स्टेट मैपिंग हो या फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जोग्राफी हो तीनों में से कुछ भी हो सकता है कुछ ना कुछ जरूर होगा है ना क्योंकि लगभग साल भर सोने के बाद आओ, जाग चुके लद्दाख प्लेट्यू भी है एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहां पे, इस पूरे के पूरे सेक्शन को लद्दाख प्लेट्यू का ही पार्ट माना जाता है क्योंकि फ्लैट है एलिवेटेड है बट है फ्लैट इसलिए माना जाता है ठीक है जम्मू कश्मीर पे शुरू कर दे डालोगे हेडिंग जम्मू कश्मीर चलो डालो हेडिंग जम्मू कश्मीर सर स्टेट मैपिंग करा देना मैं कुछ ना कुछ जरूर कराऊंगा जब कह दिया तो कह दिया जम्मू कश्मीर हैडिंग डालो चलो और दो लाइन लिखो इसमें प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है कौन सा जम्मू कश्मीर आगे लिखो इसी में अब जम्मू कश्मीर का बॉर्डर सोचकर देखो आप किस किस के साथ शेयर होगा ये तो देखो पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने खींच के ठीक है चलो आ, मैप के अकॉर्डिंग देखोगे ना फिर डाउनलोड करना पड़ेगा आगे से आपका ये टाइम जो भी जाता है ना एक दो मिनट आपको इंतजार करना पड़ता है मैं पूरा आगे से सेट से करवा के रखूंगा जिस भी वैसे मैं आज पंजाब की मैपिंग कराने वाला था मैंने कहा पंजाब को पढ़ा देते हैं अच्छे से क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट है पंजाब में मजेदार मैप ऑफ जेके फिर मुझे लगा कि कोई उसका आधार होगा नहीं कहीं से भी शुरू हो जाएगा वो इसलिए फिर यहां से शुरू किया काश इसका टाइटल चेंज क्लास का स्टेट मैपिंग लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर ये देखो आप जो रेड कलर में है ना रेड कलर में जो है ये आपका जम्मू कश्मीर है जो भारत का प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है ठीक है चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को अब जब इसको देखोगे आप अच्छा मैक्सिमम हो गया जब आप देखोगे इस मैप को तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा इस क्षेत्र को कहा जाएगा लेह यह हो गया जी आपका एक्चुअल में तो प्रेजेंट टाइम का लद्दाख हो गया ये मैं लद्दाख लिख देता हूं ये हो गया लद्दाख ये अभी आपने पढ़ा है ये हो गया अक्साई चीन ठीक है लद्दाख और अक्साई चीन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इससे आगे अगर हम आगे बात करेंगे तो जो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा पीओके तो ये हो गया जम्मू कश्मीर हमारा अब जम्मू कश्मीर का बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होगा यह चीज भी देख लेते हैं हम है ना तो जब बॉर्डर की बात करेंगे हम ध्यान से सुनना तो इधर साइड जो ये स्टेट है ये कौन सा है पंजाब पंजाब के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो ये स्टेट है ये कौन सा है हिमाचल हिमाचल प्रदेश और पंजाब और ये ऊपर की तरफ क्या आ गया हमारा जम्मू कश्मीर ठीक है जी और इसको भी मैं टू सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं यहां से जब आप यहां से डिवाइड करोगे तो जो ये वाला भाग होगा इसको क्या कहा जाएगा आजाद कश्मीर और ऊपर वाला यह क्या कहलाएगा ये यह मैं बताई चुका हूं आपको गिलगिट बाल्टिस्तान पहले लोकेशन पे फोकस करो जो आपके सामने बनी हुई है एक बार इनको बहुत ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर अगर हम नॉर्थ से काउंट करना शुरू करेंगे तो नॉर्थ में आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान उसके बाद में ईस्ट में है लद्दाख उसके बाद में फिर साउथ ईस्ट में है हिमाचल प्रदेश साउथ में है पंजाब और पश्चिम में क्या है पश्चिम में है आजाद कश्मीर बात क्लियर है यहां तक पश्चिम में क्या है आजाद कश्मीर अच्छा भारत का जो नया मानचित्र है उसके आने से पता है क्या हुआ पहले जब आप पुरानी बुक उठाओगे पुरानी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगी कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं जबकि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो क्या नाम है आ, चीन के साथ अब नहीं लगती है जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हो हाँ ना आगे बढ़ जाए कितने जिले टोटल जम्मू कश्मीर में बाईस जिले कितने जिले हैं टोटल बाईस ओके चलो अब अगर मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की यहां पे दो वेबसाइट पे अलग अलग दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे अलग है और यहां की जो यूनियन टेरिटरी वेबसाइट जो है उस पर अलग है वो बीस और बाइस का चक्कर रहता है लेकिन आप ट्वेंटी टू अगर आप करेक्ट मतलब मेरे अकॉर्डिंग ट्वेंटी टू अगर आप लगाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा वो है ना बाईस है टोटल अब अगर मैं बात करूंगा इसी में जम्मू कश्मीर में क्या खास है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखो एक तो रियासी क्षेत्र आता है रियासी जिला है इसका सॉरी रियासी वाला जो जिला है इसका वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना हुआ है चिनाब नदी पर दूसरा जो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा जाना जाता है वो जाना जाता है किस चीज के लिए तो तब आपका आंसर होगा यहां जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में करेवा सोयल पाई जाती है आगे बात समझ में क्या पाई जाती है करेवा सोइल पाई जाती है करेवा मिट्टी पाई जाती है और वो करेवा मिट्टी जानी जाती है किसके लिए तो आपका आंसर होगा करेबा मिट्टी जानी जाती है सेफ्रॉन प्रोडक्शन के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला सेफ्रॉन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो तब आपका आंसर होगा उधमपुर है ना आपका आंसर क्या होगा उधमपुर ओके क्या होगा उधमपुर जेफ्रॉन वैरायटी है सेफ्रॉन की जिसका प्रोडक्शन यहां पे सबसे ज़्यादा होता है ओके चलो अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट और मैं पूरी कोशिश करता हूं या तो शाम के टाइम पर ये आपके सेशन कंप्लीट हो पाए या फिर सैटरडे टू सैटरडे हो पाए लेकिन हाँ पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो ओके और जो स्टूडेंट ज्योग्राफी स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी उसके बैच के एडमिशन ओपन है सात सौ निन्यानवे रुपये फीस है है ना उसमें आपको इतना सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है मैं तो ये कह रहा हूं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो सात सौ निन्यानबे छोड़ो आप यार हजार रुपये में भी अगर मुझे दो चार स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिल जाए पैसे वसूल हो गए है ना तो अगर आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं कि आपकी तैयारी को बेहतर कर सकता हूं थोड़ी बहुत मेरे में नॉलेज है तो आप बैच में परचेस कर सकते हैं बाकी फिर मेरा ये कहना है आपको जहां ठीक लग रहा है पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है बट पढ़ो है ना तैयारी करो क्योंकि लास्ट में कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि कहाँ से पढ़े आप क्या किया लास्ट में आने के बाद फिर आपके पास बस दो ही जवाब आपसे बोले जाएंगे कि भाई हाँ सलेक्शन हुआ हो गया नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ तो अपना जो फालतू का जो टाइम आपका निकल जाता है ना हर टीचर के अंदर ये ढूंढने में कि इसमें क्या कमी इसने क्या कर दिया वो क्या कर दिया इन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ करके आप सीधा सीधा फोकस करो आप मुझसे पढ़ो किसी से भी पढ़ो यूट्यूब पर किसी की भी क्लास देख रहे हो आप प्रोडक्टिविटी पे सीधा सीधा फोकस करो कि अगर मैं क्लास अगर मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ आज आपने मेरी क्लास ज्वाइन की तो मेन पॉइंट ये है कि आपने क्या नया सीखा अगर नया सीखा तो तो आपका ये एक से डेढ़ घंटे का टाइम जो है वो आपका यूजफुल रहा और आपका बहुत बेहतर टाइम रहा और लास्ट में आके कंडीशन ये आ गई कि कुछ नहीं सीखा तो आपका समय बेकार गया है ना कई बार ऐसा होता है टीचर क्लास में आगे शुरू कर रहे हैं पढ़ाना पुराने स्टूडेंट अपना अलग रोनर लिए हुए अरे टीचर का माइंड फ्री छोड़ोगे यार बहुत कुछ बेहतर करके देगा तुम्हें है ना तो मेरे जितने पुराने स्टूडेंट ऐप वाले थे जिनको लग रहा था कि सर मजे ले रहे हैं आराम से शादी हो गई है और भाभी के साथ बिजी है ये है वो है टाइम नहीं दे रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने बोला था आपसे कि लास्ट में स्टेट मैपिंग में कराऊंगा स्टेट मैपिंग में शुरू कर चुका हूं एक स्टेट मैंने पूरा कर दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए जिससे कि आप बैठकर इनके क्वेश्चन भी लगा दो, ठीक है जीएस <laughs> स्पेशल में बहुत गंदा पढ़ाते हैं, मुझे दोबारा करना पड़ा सब कुछ देखो मैं एक बात बताऊं आपको कई बार पता है क्या होता है मैं जैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं अपनी बता रहा हूं आपने डाउट नहीं पूछा आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की तो मेरी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम है भाई मैं अगर आपको यह बता रहा हूं कि ये चीन है बहुत गंदे तरीके से बता रहा हूं आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछा क्यों नहीं आपने साथ के साथ डाउट क्लियर करो भाई एक बात बताओ लाइव बैच अटेंड करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट क्या करेगा उस टाइम पे कोई जिक्री नहीं करेगा लाइव क्लास अटेंड नहीं करेगा डाउट पूछेगा नहीं और बाद में उसको क्या लगेगा अरे यार मजा नहीं आया वो अक्साइचिन तो उड़ा दिया हवा में तो ऐसे स्टूडेंट से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप लाइव क्लास अटेंड करो और जहां भी आपको लग रहा है कि मैं हवा में उड़ा रहा हूं टॉपिक को मेरी बात समझना मैं सही कोई भी सही जहां भी आपको लग रहा है टीचर नेग्लेक्ट कर रहा है टॉपिक को सही से नहीं पढ़ा रहा है तो आप तुरंत उस चीज को क्लेम करो ना ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी मतलब जहां आपका बैच रनिंग है जहां टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है वहां तो आप अपने मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हो कमेंट नहीं कर पा रहे हो डाउट नहीं पूछ पा रहे हो और बाद में फिर आप रिव्यू कर रहे हो जी ये तो ऐसा कर देते वैसा कर देते क्या मिला लास्ट में आके आपको कुछ नहीं तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई मुझे तो क्या पता मुझे ये लग रहा हो कि अक्साई चीन में कौन सी बड़ी बात है सिंपल सी चीज है पढ़ाओ आगे बढ़ो अगर आपको नहीं समझ आता है तुरंत बोलो सर इसको पहले एक्सप्लेन करो हमें समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइव क्लास अटेंड करो आप अपने डाउट्स साथ के साथ क्लियर करो मेरी बात समझ पा रहे हो आप हमें आगे तब तक नहीं बढ़ना है जब तक पिछला पूरा क्लियर ना हो जाए वो ज्यादा बेटर तरीका होगा बजाय रोने के, के ऐसा हो गया वैसा हो गया ओके चलिए मैंने पहले भी कहा था आपसे ये पहली क्लास है स्टेट मैपिंग की और आज इतना ही रखते हैं और देखते हैं इस वीडियो पे क्या रेस्पॉन्स रहता है रेस्पॉन्स बेहतर रहता है आप लोगों की डिमांड रहती है तो आगे भी कंटिन्यू करा दिए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या नाम है स्टेट जो है वो जरूर करा दिए जाएंगे एक और चीज़ जहां ये बॉर्डर स्टेट है यहां पे तो आपके डिस्प्यूट बढ़ गए और जब हम सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे राजस्थान बिहार एम पी यूपी हरियाणा तो ऐसे स्टेट में याद रखना हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा सबसे पहले वहां के माउंटेन के बारे में पढ़ना वहां की रिवर के बारे में पढ़ना वहां के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और वहां पे जो रिसोर्स है उनके बारे में पढ़ना वहां की ट्राइब के बारे में पढ़ना यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर स्टेट उसको फोकस करेंगे ठीक है अब आप खुद सोचो यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो ही नहीं पाया तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो फिर यहां क्या पढ़ेंगे अब वहीं अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो भरभर की इंडस्ट्री है उड़ीसा की भरवर की इंडस्ट्री है तो जब हम झारखंड और उड़ीसा की मैपिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां एक एक हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि इसके डेवलप होने के पीछे कारण क्या है ठीक है जी चलिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा आज के सेशन की थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर और हाँ मैं फिर कह के जा रहा हूं कि मैं आपको ये सारा सब कुछ कुछ ना कुछ तीन जो ऑप्शन दिए उनमें से कराऊंगा मतलब मैं आपको लगातार यूट्यूब पे दिखने वाला हूँ ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर